नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस वक्त जो है दीपाली सैयद जो कलवा मुमरा से उम्मीदवार है, फिल्म मराठी अभिनेत्री है, वो जो है उम्मीदवार है, हम उनसे जानेंगे। जो है दीपाली मैडम, जो है बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है प्रहार में। आज आप जो उम्मीदवार है फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले दस सालों से जितेंद्र अवार्ड जो है यहाँ पर राज कर रहे हैं, ऐसे में उनके सामने आपको चुनाव लड़ना कितनी बड़ी आपके लिए चैलेंज? अच्छा लगता है, जहाँ पे चैलेंज है वहाँ पे दीपाली सैयद है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छा अवार्ड मिल रहा है, अच्छा कुछ करने के लिए मिलेगा। जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे ही दीपाली सैयद आती है। यहाँ पर आपको लगता है डेवलपमेंट नहीं हुआ है? जी नहीं। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? अधिकृत करना है, सारा चीज है ना, अनधिकृत महात्मा है वो अधिकृत करना है, और सारी चीज है। बहुत सारी डेवलपमेंट है, महिलाओं के डेवलपमेंट है, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सारी चीजों पे ध्यान दे। खास करके चुनावी मुद्दा किस तरह से आपका होगा, मतलब जीतने के बाद? मेरा एक ही विकास का मुद्दा है, और अभी यूपी और विकास होके रहे। फिलहाल पर्चा भरने दाखिल करने जा रहे हैं जो है, मैं लांडे साहब से भी बात करूंगा। लांडे साहब, दीपाली मैडम को जिताने के लिए किस तरह से आप लोग की मेहनत रहेगी आगे, किस तरह से जीत दर्ज कराएंगे आप लोग? मुमरा वासियों को, कलवा वासियों को बदल चाहिए। ये बदलाव के लिए एक सामाजिक रूप से दीपाली सैयद सामने आई है, और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया वहाँ उन्होंने बदलाव किया है। यहाँ जो झूठा आश्वासन दे के लोगों को फंसाया, तो ये बार आश्वासन जो देंगे वचन के रूप में सच्चा रूप से काम होएगा। लांडे साहब जो है काफ़ी दिनों से मतलब अटकलें लगी हुई थी कि कभी सुभाष भोईर आ रहे हैं, कभी दूसरे कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन अचानक में इनको फैसला करने की वजह क्या रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुभाष भोईर साहब ने पहले से ही मुमरा के लिए कुछ बोला नहीं था। हाँ। उनको पूछा भी नहीं था। हाँ। और सुभाष भोईर के वो पहले से यहाँ 20-25 साल से लोक प्रतिनिधि है। हाँ। लोगों की अपेक्षा थी, पर उन्होंने उनके बारे में कभी सोचा नहीं था। लेट डिसीजन लेने का मतलब क्या है? लेट डिसीजन शिवसेना ने ली क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज ही डिक्लेयर किया गया। नहीं नहीं, ये तो प्रोसीजर चालू है, प्रोसीजर पहले से चालू है। साप्ते साहब जो है, जिस तरह से देखा गया है, कई दिनों से लोग अनुमान लगा रहे थे कि किस तरह से शिवसेना यहाँ पर कैंडिडेट खड़ी करती है, तो आज ये साफ हो गया है दीपाली मैडम जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, लेकिन किस तरह से आप लोग जीत दर्ज कराएंगे? नहीं, यहाँ तो हम लोग केंद्र में, राज्य में हमारा सरकार है, थाना म्यूनसिपैलिटी में भी हम लोग जो काम किया है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास होना चाहिए, और विकास के मुद्दे में हम लोग आगे जा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सैयद मैडम यहाँ से भारी वोटों से जीतेंगे। लगातार शिवसेना के जो लोग हैं, जो लांडे साहब है, उन्होंने भी कहा जो है, तो आपने सुना जो है लोगों का यही राय है, लोगों का यही कहना है कि इस बार हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। ये जो आज जो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं वो विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के ऊपर जो है ये चुनाव जीता जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रैली है, देख सकते हैं जो है ये रैली निकल चुकी, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से। दीपाली सैयद जो है, जो फिल्म अभिनेता हैं मराठी पिक्चरों की, वो जो है अब पर्चा दाखिल करने जा रही हैं, और जिस तरह से जोश होश के साथ जो है, काफ़ी जोश देखा जा रहा है शिवसेना में कि कम समय में, मतलब जो है आज कई दिनों से अटकलें लगे थे उसके बावजूद आज जो है डिक्लेयर किया गया शिवसेना को, आज डिक्लेयर किया गया। जो दीपाली मैडम है, जो अभिनेत्री हैं, वो अपनी किस तरह से अब आने वाले दिनों में किस तरह से वो किरदार निभाएंगी, किस तरह से मुमरा कलवा में अपनी जलवा बिखेरेंगी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सामने कि वो चुनाव जीतेंगी, ये एक बड़ा चैलेंजिंग जीत होगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।